नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी। दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। यूपी के आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बहने लगी है और ताजमहल के पास दशहरा घाट लगभग डूब गया है। यहां पर यमुना का जलस्तर 497 फीट पहुंच गया है और 495 फीट पर खतरे का निशान है। ताजमहल के पास यमुना का पानी पहुंचने के वीडियो भी सामने आए हैं। इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ताजमहल के बाहर बनी बाउंड्री वॉल को पानी छू रहा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली और मथुरा में कोहराम मचाने वाली कालिंदी अब आगरा में भी खतरे का निशाना पार कर चुकी है, जिससे आगरा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 45 साल बाद आगरा में यमुना नदी ने ताजमहल की दीवार छुई है। दशहरा घाट पानी में डूब गया है। इसके साथ ही रामबाग, एतमाद उद्दौला, जौहरी बाग, मेहताब बाग समेत अन्य स्मारकों को छूकर यमुना बह रही है। अब वो तो पीछे से पानी छोड़ रहा है तो बढ़ ही रहा है और प्राकृतिक आपदा है, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। बारिश हो रही है, बढ़ता चौकी है, चौकी के पास ही पानी भर गया है, लैट्रिन बाथरूम के लिए दिक्कत हो गया, तो अब कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है हमें? मैं पहले से बने हुए हैं हट, उनमें जा रहे हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रोड पर हट बना हुआ, वहीं शिफ्ट हो। प्रशासन से क्या कहेंगे इस लेकर? प्रशासन से बता दिया है, वो इंस्पेक्टर साहब आए थे और अधिकारी गण आए थे, उन्होंने कहा रोड पर कमिश्नर साहब आए थे, रोड पर एडजस्ट हो जाए, ये हमारा हट बना हुआ है ना। पानी अब तक कहाँ तक चला गया जमुना का पानी? अभी आप देख ही रहे कहाँ तक है, लेटरों आते हैं वो बंद हो गए, वहाँ हमें एडजस्ट कर दिया गया रोड। यमुना के उफान से ताजगंज शमशान घाट के बाद पोया घाट के मोक्षधाम में पानी पहुंच गया है, जिससे अंतिम संस्कार करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा के लिए 48 घंटे अहम हैं। इस दौरान तेजी से यमुना का जलस्तर बढ़ेगा। कल शाम को हम लोग यहाँ खड़े हुए थे ताजमहल के साइड में एडीए बी पॉइंट पर, शाम को 7 बजे ये पानी जो है इस बाउंड्री वॉल के बाहर था, लेकिन आज सुबह से लेकर करीब यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल के यहाँ तक आ चुका है पानी, और पानी की समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही है इस समय। जिसको लेकर ताजमहल पॉइंट को क्या बंद कर दिया गया आम पर्यटकों के लिए क्या? हाँ, सुबह कुछ अधिकारीगण गए थे, उनके आदेश से ये ताजमहल पॉइंट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आम पब्लिक के लिए ताजमहल पॉइंट फिलहाल बंद है। और जिस तरीके चौकी वगैरह के अंदर पानी, हाँ, इसको क्या कहेंगे? ताप सुरक्षा में लगी हुई पीएसी कैंप है ये, यहाँ पे पीएसी कैंप को काफ़ी दिक्कत हो रही है इन लोगों के लिए। एक साइड में जंगल साइड में लैट्रिन बाथरूम बनाए गए थे, जो कि रात को पानी आने से वो उनके जाने लैट्रिन बाथरूम जाने वाला रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, और अधिकारीगण बड़े परेशान हैं, कर्मचारी परेशान हैं। इनको ऊपर शिफ्ट किया गया है, कुछ टेंट पीछे ऊपर लगाए गए हैं मेहताब बाग के सामने, जिनकी एक दूसरा बूथ है वहाँ पर जो है लैट्रिन बाथरूम की एक व्यवस्था है। और मैं सरकार से अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि कोई प्राइवेट लैट्रिन बाथरूम अगर हो नगर निगम में जो रहते हैं वो अगर जहाँ लगाए जाएँ तो इन लोगों की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो सकती है। ये बंद कर दिया गया पानी की वजह से, जो बाढ़ का पानी आ रहा है इससे सैलानी और क्षेत्रीय लोग सबके लिए आगरा के जो भी है उनके लिए प्रतिबंध बंद किया गया है, जो कि अंदर जाकर कहीं जानहानि ना हो जाए। इधर आप देख रहे हैं पीएससी का जो कैंप थे वो दोनों डूब चुके हैं, टॉयलेट बाथरूम डूब चुके हैं, आगे 1-2-3 टावर हैं वो भी पानी में डूबे हुए हैं। पानी के जलस्तर 13 साल बाद आया है, 13 साल पहले पानी आया था, जो कि पूरे क्षेत्र में पानी था, जो कि मेहताबाग फेमस है वो भी डूब चुका था। अच्छा, बाकी आसपास के गांवों में कंडीशन है, धीरे धीरे पानी जा रहा है, लोग घरों को खाली करके पलायन कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। अगर 1978 की तरह बाढ़ आएगी तो हो सकता है गाँव के जो 33 गाँव है नदी किनारे वो भी डूब सकते हैं, पहले जो डूबे थे। यमुना का जलस्तर बढ़ने से आगरा के प्रमुख नाले लबालब हो गए हैं। ऐसे में जलस्तर बढ़ता है तो ये नाले बैक मारना शुरू कर देंगे। यूपी की तमाम खबरों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।